रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप, कि जिस तरह से ये सोलर प्लेटें लगाई गई है ऊपर। तो दोस्तों फुट ओवर ब्रिज भी बनकर तैयार है, इससे पहले फुट ओवर ब्रिज नहीं था यहाँ पे, देख सकते हैं। बस इस पर कॉन्क्रीट की ज़रूरत है, बाकी रेडी है ये। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए एक अनदर व्लॉग। जी हाँ, ये है हमारे गांव का रेलवे स्टेशन। ये सिंगल लाइन था, अब डबल लाइन हुआ है, तो यहाँ पर भी जल्द ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये हमारे गाँव से अकोला होते हुए पूर्णा जंक्शन महाराष्ट्र वहाँ तक जाएंगी। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्टेशन बना है ये, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, लगातार शुरू है। आपको बताते चले, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। इस बारिश में हम कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा है, पानी भी बहुत ज़ोरों से शुरू है। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म सिंगल था सिर्फ, इधर प्लेटफॉर्म नहीं था, अब डबल लाइन हुई है। ये हमारे गांव से इधर खंडवा इंदौर अजमेर तक जाती थी पहले ट्रेन, अभी तो फिलहाल उधर पहाड़ में काम शुरू है, पहाड़ी लाइन है। अब यहाँ से हमारे गांव से अकोला जंक्शन, वहाँ से पूर्णा, तो फिलहाल बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, देख सकते हैं आपको तो समझ आ रहा हूँ कि बारिश शुरू है, एकदम धीमी धीमी, अभी स्लो बौछार आ रही है। क्यों रहन? ये रहन भी, ये रहन रनिंग कर रहा था, इस काफ़ी तेज़ रनिंग करके आया है, तो सासो सास हो गया है। ये ट्रेन आ रही उधर से, रहन चौक गया है, अभी ट्रेन कहाँ से आएंगी इधर। तो रहन देखने को आया था क्या स्टेशन कैसा बना है, रेहान काफ़ी एक्साइटेड था रेलवे स्टेशन देखने के लिए। पहले कैसा, यहाँ काफ़ी छोटा स्टेशन था, अब बड़ा हो गया है, तो काफ़ी लोग जॉगिंग करने को भी आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं देख सकते हैं आप, और बारिश भी शुरू है। अब ट्रेन कब शुरू होती है देखना है, 15 अगस्त तक तो शुरू होने की संभावना है ट्रेन की, हमारे गांव से अकोला होते हुए पूर्णा जंक्शन। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल बारिश तेज़ हो चुकी है, हम रुके हैं, बारिश शुरू है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म भी बना है एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, इसको भी देख के